दोस्तों, व्हाट्सएप अपने ग्राहकों के सुविधा के लिए रोजाना नए नए अपडेट देता रहता है। तो हाल फिलहाल में एक नई अपडेट आई जिसकी वजह से पूरे व्हाट्सएप के अंदर एक खलबली सी मच गई। लोगों को लग रहा है कि उनका व्हाट्सएप जो है वो हैक हो चुका है, उनकी प्राइवेट चैट है वो हैक हो चुकी है, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। तो आपको भी यदि ऐसा लगता है कि आपका जो व्हाट्सएप है अपडेट आने की वजह से हैक हो गया है, तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपका हैक हुआ है या फिर नहीं। तो क्या है वो अपडेट मैं आपको बता देता हूँ। तो जब भी आप अपने मोबाइल के व्हाट्सएप में जाते हो, व्हाट्सएप में जाने के बाद यहाँ पे स्टेटस में जाते हो, तो यहाँ पे नीचे नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाला, यहाँ पे कुछ लिखा आ रहा है योर स्टेटस अपडेट आर एंड टू एंड इनक्रिप्ट, तो यहाँ पे ये आ रहा है। और साथ ही में आप नीचे इसमें जाओगे, नीचे नीचे जाओगे, तो यहाँ पे भी यही लिखा आ रहा है सेम टू सेम। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी लिखा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या, आपका फ़ोन हैक हुआ है और इसके ऊपर दबाते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा आ रहा है। तो मैं आपको बता दूँ, इसका मतलब है कि आपके फ़ोन के अंदर कोई भी यहाँ पे हैक, अब तो और भी ज़्यादा सिक्योर हो गया है। अब आपके ना तो टेक्स्ट, ना वॉइस मैसेज, ना ऑडियो, ना वीडियो कॉल, फोटोज, वीडियो, डॉक्यूमेंट, लोकेशन शेयर और स्टेटस अपडेट, यहाँ पे यहाँ तक कि ये जो व्हाट्सएप वाली कंपनी है ये भी आपके फीचर को नहीं देख पाएगी। ये जितने भी फोटोज वीडियोज हैं यहाँ पे ये एंड टू इनक्रिप्ट है, यानी कि जो आपका बंदा आप देख रहे हो और जो सामने वाला देखेगा उनके बीच ही रहेगा डायरेक्ट, इसमें कोई भी कंपनी भी बीच में नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये है, लोगों को गलतफहमी हो गई है कि ये अपडेट आने की वजह से उनका फ़ोन हैक हो गया है। तो हैक नहीं हुआ, ये एकदम से सिक्योर और एकदम से सही है, एकदम से आपकी सिक्योरिटी के लिए ये बनाया गया है। तो दोस्तों, आपको ये सब देखने के बाद आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके फ़ोन के अंदर ये सब आता है तो इसका मतलब है कि आपके फ़ोन के अंदर दोस्तों एंड टू इनक्रिप्ट आ चुका है, जिसका मतलब है कि आपके और जिस बंदे के पास ये स्टेटस देखेगा या जो भी ये चैट करेगा उसके पास डायरेक्टली जाएगी और उसके बीच में कंपनी का भी कोई रोल नहीं, वो भी आपका स्टेटस वगैरह नहीं देखती हैं। तो इसका मतलब ये है।